राजनीति हेउ कि अर्थनीति, धर्म संस्कृति हेउ कि कला साहित्य, लोकंक जीवनधारा बंचिवार संघर्ष एमिति अनेक घटना सृष्टि करे खबर। एमिति खबर जहां मनीष को सचेतन करे, गोटिए भागर मनीष को विश्वर अन्य भागर मनीष सहित जोड़ी थाए। एमिति खबर को नहीं जारी रही आमर खबर दुनिया सारा दुनिया। नमस्कार, मु निहारिका। तेबे एपरी किसी खास खबर को नहीं आरंभ करिबा आमर ग्लोबल न्यूज्र कार्यक्रम। आसंतु एबे जीवा खबर भीतर को देखिबा कौन रही आमर ए सप्ताह सारा दुनिया। फेसबुक रो बदलिला ना, एही खबर एबे विश्वर प्रमुख खबर पलटिछि। किछि दिन पूर्वरु फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक रो ना बदलाइबार सूचना देथिले। तेबे गत गुरुवार दिन फेसबुक को मेटाभर्स रे नामित कराजिबार घोषणा करिछन्ति जुकरबर्ग। तेबे काहि कि निजर कंपनी रो ना परिवर्तन कला फेसबुक एवं एहार प्रभाव साधारण यूजर्स को उपरे कोन पड़िबो, ए नै चर्चा जारी रहिछि। फेसबुक हेला मेटा, बदलिला फेसबुक रो ना। जुकरबर्ग का बड़ घोषणा यूजर्स का उपरे कौन पड़िबो प्रभाव। कंपनी प्रस्तुत करिबो मेटावर्स वर्ल्ड। लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक निजर ना परिवर्तन करिछि, एणिकी फेसबुक कंपनी मेटा नामरे परिचित हेबो। कंपनी रा सीईओ मार्क जुकरबर्ग गुरुवार दिन एही बड़ घोषणा करिछन्ति। तेबे काहि कि निजर कंपनी रा ना परिवर्तन कला फेसबुक एवं एहार प्रभाव साधारण यूजर्स को उपरे कौन पड़िबो। फेसबुक कंपनी निज ना परिवर्तन करिवार मुख्य कारण हेउछि कंपनी रा सीईओ मार्क जुकरबर्ग एबे तांका कंपनी को केवल गोटिए सोशल मीडिया साइट भावरे सीमित रखिबाकु चाहुनांती। एहाटु आगकु बढ़ी तांकर कंपनी एबे मेटावर्स वर्ल्ड प्रस्तुत करिबो, जेउति पई कंपनी प्राय 10,000 लोकंकु मध्य चाकरी देबाकु जाउछि। एही कर्मचारी माने मेटावर्स प्रस्तुत करिबाकु कंपनी को सहाय्य करिवे। तेबे मेटावर्स हेउछि वर्चुअल रियलिटी, जेउटी लोकमाने डिजिटल जरियारे उपस्थित रहिबे, डिजिटल जरियारे परस्पर को भेटी पारिबे। तेबे एहा पूर्वरु माइक्रोसॉफ्ट फलिक बड़ कंपनी मध्य एही क्षेत्र रे आगकु बढ़ी सारिछि। तेणु एबे फेसबुक रा प्रतिष्ठाता मार्क जुकरबर्ग मध्य एही क्षेत्र रे प्रवेश करिछन्ति। मेटावर्स दुनिया रे आगकु बढ़िबा पई फेसबुक कंपनी निज ना रे परिवर्तन करिछि। कंपनी रा चेष्टा एहा रहिछि जे एही कंपनी को लोकमाने केवल गोटिए सोशल मीडिया कंपनी भावरे न जानी एहार अन्य दिग प्रति मध्य ध्यान देबे। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि फेसबुक कंपनी रा ना बदलिबा परे यूजर्स को उपरे एहार कोनोसी प्रभाव पड़िबो कि नाही ता आगकु जाना पड़िबो। किंतु फेसबुक आप व्यवहार करथुबा यूजर्स माने पूर्ववळी एहाकु व्यवहार जारी रखि परिबे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप रा नामरे मध्य कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आगो को आसुची दीपावली, आलोक आनंदर ए उत्सव को भारत रे भारतीय माने पालन करबा पूर्वरु बेस उत्साह और आनंदर सह पालन करिछंती। अमेरिकार बाइडेन प्रशासन रे अनेक गुरुदायित्व तुलाउथिबा भारत वंशज बा इंडियन डायस्पोरा। सनातन हिंदू परंपरार ए महान पर्व रे केवल प्रवासी भारतीय नुहंती बरंग एथिरे भाग नैथिले अमेरिका प्रशासन सह संप्रुक्त थिबा मुस्लिम, क्रिश्चियन एवं अन्य धर्म संप्रदायर बहु उच्च पदाधिकारी। जय जगदीशरे गाउथिले प्रसिद्ध अमेरिकीय गायिका और अभिनेत्री मारी मिलबेन। तांको सहित पाळी धरुथिले यूएस कैपिटल हिल रे एकाठी होइतिबा भारतीय एवं विदेशी अतिथि। परिवेश थिला बेस नियारा, पालन करा जाउथिला आलोक और आनंदर महान भारतीय पर्व दीपावली। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आगकु आसुछि दीपावली, आलोक एवं आनंदर एहि पर्वकु भारतरे भारतीय माने पालन करिबा पूर्वरु बेस उत्साह ओ आनंदर सह पालन करछन्ति। अमेरिकारो बाइडेन प्रशासनरे अनेक गुरुदायित्व तुलाउथिबा भारत वंशज बा इंडियन डायस्पोरा।
सनातन हिंदू परंपरार यह महान पर्व केवल प्रवासी भारतीय नुहति बरम एथिरे भाग नेइथिले आमेरिका प्रशासन सह संपृक्त थिबा मुस्लिम ख्रीस्टियान एवं अन्य धर्म संप्रदायर बहु उच्च पदाधिकारी पारंपरिक भाव दीप जाळिथिले एवं समस्ते गाइथिले उपनिषदर शांति मंत्र सर्वेषां शान्तिर् भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु 2019 परे यहाँ थिला कैपिटल हिल रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग रे अमेरिका प्रशासन और भारतीय उच्च पदाधिकारी द्वारा आयोजित होता प्रथम दीपावली उत्सव महामारी परे एपरी उत्सव समस्त एकाठी करथिबारु बेस खुशी व्यक्त करथिले उत्सव रे उद्घाटनी भाषण देथिबा बाइडेन प्रशासन रो सर्जन जनरल विवेक मूर्ति of that divine spirit we have that light within us. And my hope is on this day and on all days that follow that you and your families will find happiness and peace. Thank you so much. I'm happy to be here. विवेक मूर्ति जोग देते नीरा टांडेन आमी बेरा प्रमिला जयपाल रो खन्ना राजा कृष्णमूर्ति एम आर रंगास्वामी भली बाइडेन प्रशासन प्रभावशाली सांसद तथा पदाधिकारी यहाँ सहित जेम्स क्लाइबन स्टीवी चाबुट जुड़ीचू कैरोलिन मालोनी भली अमेरिका प्रशासन अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्व से मध्यरे चाइनीज एवं अन्य देशर उच्च अधिकारी माने मध्य उपस्थित रही दीपावली उत्सव को उपभोग करथिले एवं भारतर ए महान पर्वर गुणगान करथिले not just the Indian congressmen it's also the African American congressmen the Chinese and API congress people it's the you know mainstream American congress people like you know we saw congressman Tim Ryan and others so truly even from the congressional side it's a very diverse set of people supporting us so I think it's a very historic time for the Indian community to celebrate and come out of this darkness the whole world has been in समस्तक मुहरे थिला भारतीय संस्कृति परंपरार गुणगान अंधकारु आलोक को असत्यु सत्य को एवं मृत्यु अमृत्यु को बाट कड़े नेउथबा हिंदू सनातन संस्कृतिर ए महान उत्सव को बेस मनप्राण दे उपभोग करथिले समस्ते दीपावली तांको जीवन रे बेस अर्थपूर्ण एवं भारतीय को से बहुत भल पांती बोली खूब खुशी रे कहिथिले आफ्रिकियो अमेरिकियो गायिका अभिनेत्री मारी I tell you moments like this are so meaningful. MR and India Asper they are family to me and to see folks from all over the country come together to celebrate Diwali, to celebrate the Indian American community, to celebrate India, it's really beautiful. It's meaningful to me. I've had a relationship with the Indian American community for a long time. अनेक वर्ष धरि अमेरिका प्रशासन ओ इंटिसपरा संस्था तरफरु अमेरिका रे पालित होई आछि दीपावली 2020 रे महामारी जोगु एहा बन्द रहितला चलित वर्ष पुणी कैपिटल हिल रे दीपावली पालन एवं समस्त मध्यरे भर दे उत्साह रिपोर्ट अर्गस न्यूज निजर सहपाठी और पुरुष बंधु को बिना आडंबर रे विवाह कले जापान रा राजकुमारी माको छाड़िले राजवास राजकीय थाटबाट आ राजकुमारी हेबार पदवी कारण तांकर प्रेमिक सान कामुर कोनसी राजवंशर राजकुमार नुहंती बरंग जणे साधारण परिवार पुओ अक्टोबर 26 तारीख सकाळे घटीतिबा एक खबर एबे सारा विश्व रे सृष्टि करिछि चर्चा दीर्घ 5 वर्षर प्रेम बाहाघर पई 3 वर्षर अपेक्षा अनेक बाधा विघ्न औ विरोध शेषरे जीत हला प्रेमर निज पुरुष बंधुंकु बिना आडंबर रे विवाह कले जापान रो राजकुमारी माको छाड़िले राजवास राजकीय थाट बाट आउ राजकुमारी हेबार पदवी कारण तांकर पुरुष बंधु कौनसी राजवंशर राजकुमार नुहंती बरम जणे साधारण परिवार पुओ अक्टोबर 26 तारीख सकाळे घटीथिबा ए खबर एबे सारा विश्वरे सृष्टि करिछि चर्चा जापान सम्राट नारुहितों को झियारी राजकुमारी माको परंपरारे बंधा रक्षणशील राज परिवार सदस्य यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ुवा बेले सहपाठी एक साधारण परिवार पुओ केइसान कामुरों सह गढ़ी उठी प्रेम संपर्क 2017 दुहें विवाह करिवे बोली घोषणा करिथिले निजे राजकुमारी माको जहाँ से पलटि चर्चार विषय
मात्र विभिन्न समस्या जो घुंची चलता बहुत तापर जापान गणमाध्यम एवं विभिन्न स्तर में उभय माको एवं कामुरों को घोर समालोचना और विरोधर सम्मुखीन होगाक पड़ा। यहपर 2018 उच्च शिक्षा पर आमेरिकार न्यूयॉर्क पलाइले कामुरो गत मास से जापान फेरवापर पुणी दुहक बह बाबदे आरंभ होता आलोचना समालोचना निज वंश परंपरा को जबुड़ी धरी जापान राजकन्या कहीं जड़े साधारण परुवक बह करे सृष्टि बिवाद कारण जापान राजकीय नियम अनुसार राजपरिवार कौनसी महिला साधारण परिवार रे विवाह कले हर पड़ राजकीय पदवी तेरे निज राजकीय पदवी एवं स्टेटस को खातिर नक कामुरो ही बह करे तारीख धार्य करते राजकुमारी माको से ही अनुसार मंगलवार दिन सका बिना कौन पारंपरिक उत्सव एवं आडंबर दुहें बह कर संपर्कित समस्त कागजपत्र राजप्रसाद कार्यालय द्वारा सरकारी भाव सार्वजनीन करम अनुसार माको सबुदिन राजप्रसाद छाड़ू तांकु 1.23 नियुत अमेरिकी डॉलर मिलवा कथा मात्र प्रेम परिमाणर अर्थ को मध्य नेबाकु मना करी राजकुमारी एपरिक विवाह पर जापान नियम अनुसार एबेठारु से निज स्वामी संज्ञा धारण करी माको कामुरो नामरे परिचित हेबे विवाह करी राजवास छाड़ा बेले सेठारे सृष्टि होइथिला बेस भाव प्रबल परिवेश निज बापा मा ओ भौणी को शेष सम्मान एवं आलिंगन करी प्यालेस छाड़ी राजकुमारी मीडिया किछि जानिबा पई अपेक्षा करथिले मध्य कहाकु किछि न कहि केवल पूर्व प्रस्तुत एक लिखित उत्तर सेमानंकु देथिले तेबे परे राजकुमारी तांकर एक वीडियो वक्तव्य रे कहिछन्ति कामुरो मो पई जने महान व्यक्ति आमे परस्परर हृदय को बुझिछु सेथि पई विवाह करिछु कामुरो मध्य कहिछन्ति मु माको को बहुत भल पाए गोटे जीवन पाई जहाँ को भल पाए सहित ए जीवन बीताए आम उभय भल और कष्टकर समय को साथी हो बीतु माको मु सबुले रही दुहें एवं 30 वर्ष बयस एवं कामुरो माको न्यूयॉर्क रे सेठारे तांको पाई नथिव राज परिवार भड़ी सुविधा सुजोग मात्र सबु राजकीय विलास छाड़ी सेठारे अन्य मनीषंक भिड़ भितरे एक नुआ जीवन आरंभ करिवे बोली आशा रखिछंती राजकुमारी माको। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एणिकी दैनिक आवश्यकता ठारु कम खाइबे उत्तर कोरिया नागरिक एहा सेठिकार शासकंकर निष्पत्ति जहाकु मानिबाकु बाध्य देशवासी निजर कठोर शासन एवं अद्भुत पदक्षेप को नहीं सबुबले चर्चा रे रही थांती उत्तर कोरिया शासक एक छत्रवादी किम जोंग उन निकटरे पुणी थरे किम को एक बड़ घोषणा एवं समस्त दृष्टि आकर्षण करिछि ताहा हेला देशरे सृष्टि होइतिबा खाद्य संकट को टाळीबा पई तांकर निष्पत्ति एभली स्थिति रे देशवासी को 2025 पर्यंत कम खाइबा को कहिछंती किम उत्तर कोरिया रे दैनिक खाइबा परिमाण उपरे कटकणा एणिकि कम खाइबे देशर नागरिक 2025 जाए लागि रहिबो एई नियम देशरु खाद्य संकट दूर पई राष्ट्रपति किम जोंग उनको निर्देश खाइबा को न पाई देश को परमाणु शक्ति संपन्न करिबा पई प्रयास एणिकि दैनिक आवश्यकता ठारु कम खाइबे उत्तर कोरिया नागरिक एहा सेठाकर शासकों निष्पत्ति जहाँ मानवाक बाध्य देशवासी निजर कठोर शासन एवं अभूत पदक्षेप को नहीं सबुले चर्चा रही था उत्तर कोरिया शासक एक छत्रवादी किम जोंग उन निकट में पुणि थे किम को एक बड़ घोषणा एवं समस्त दृष्टि आकर्षण करेर सृष्टि होता खाद्य संकट को टाइबापी निष्पत्ति एभली स्थित देशवासी 2025 पर्यंत कम खाइबा कहते किम बहु पूर्वरु उत्तर कोरिया रे खाद्य अभाव एक विराट समस्या रही आसी आवश्यक परिमाण खाद्य वितरण हो पार नथिबारु लोकंक मध्यरे खाद्य पहुँची पारुनी जोंथिपई उत्तर कोरिया रे खाद्य बजार रे निया लागिछि खाद्य सामग्री दर हु बढ़िबारे लागिछि महामारी एवं गत वर्षर प्राकृतिक विपर्यय परठारु सेठारे अधिक उत्कट होइछि खाद्य समस्या
सूचना अनुसार प्राकृतिक दुर्विपाक कृषि जंत्रपातिर अभाव एवं नूतन ज्ञानकौशल घोर संकट उत्तर कोरिया रे एभली परिस्थिति सृष्टि हेबार प्रमुख कारण तेबे देश आवश्यक खाद्य सामग्री जोगाइबारे असमर्थ हेबारु लोकंक पई खाद्य अभाव समस्या चिंतार कारण साजिछि। निकटरे प्रचुर वृष्टिपात एही देशको आहुरी समस्या रे पकाइछि। अन्य पक्षरे जातिसंघ रिपोर्ट अनुसार अनाहार जोगु उत्तर कोरियार प्राय 40% नागरिक कुपोषण शिकार होइछन्ति। रिपोर्ट अनुसार चलित वर्ष उत्तर कोरिया रे 8,60,000 टन खाद्यर अभाव रहिछि। तेणु परिस्थिति को दृष्टि रखि कम खाद्य खाइबा पई देशवासी को कहिछन्ति किम। से आहुरी मध्ये कहिछन्ति जे 2025 पर्यंत देश रे एपरी खाद्य संकट देखा देबो। तेणु देश रे जे बंचिबाको अछि ताको कम खाइबाको पड़िबो। देश रे गत किछि दिन हैला एपरी खाद्य संकट देखा देछि। एठा रहुथबा लोकंक पई आवश्यक तुलना रे कम खाद्य पानी रो जोगाण होछि। एपरिकी खाद्य पानी रो दाम मध्ये आवश्यक ठारु ढेर अधिक रहिछि। एति पई खाद्य आमदानी को दायी करछन्ति किम। 2025 जाय एबोली खाद्य रो स्थिति लागि रहिबो बोली किम कहिछन्ति। पूर्वरु मध्ये उत्तर कोरिया एपरी खाद्य संकट दे गति करि सालछि। 1990 रे उत्तर कोरिया रे खाद्य अभाव रु 30,00,000 लोकंक जीवन जायथिला। तेबे एते हीनस्था सत्वे भी निजकु परमाणु शक्ति संपन्न करबाकु अनेक अर्थ खर्च करछि उत्तर कोरिया, जहाकु नै सबबेले समालोचना शिकार होइथांति किम जोंग उन। चीन रे पूर्ण फेरिछि लॉकडाउन, पूर्ण घर भितरे बन्द रहिले चीन आदिवासी। मात्र 6 मासर मुक्त जीवन परे चीन सरकारक तरफरु साधारण जीवन उपरे लागिछि कटकणा। एथर व्यापुछि अधिक संक्रमक डेल्टा वेरिएंट। केवल एक सप्ताह भितरे 11टी राज्यकु व्यापिछि एही अधिक संक्रमक कोरोना भूताणु। तेबे एथर संक्रमण पई विशेष रूपे विदेश यात्रा करथुबा लोकंकु दायी करिछन्ति चीन प्रशासन। चीन को पुणी फेरी लॉकडाउन, पुणी बढ़ी कोरोना संक्रमण। एथर व्यापी अधिक संक्रमक डेल्टा प्रजाति। सप्ताह मध्य 11टी प्रदेश में पहुंची संक्रमण। लोकों घर बाहर मना। विदेश यात्रा करुवा लोकं दायी कर चीन सरकार। भारत में कमुनि हेले चीन में फेरी पुणी कोरोना आतंक। चीन में हठात संक्रमण बढ़िवारु सेठारे लॉकडाउन कर चीन रे डेल्टा प्रजातिर संक्रमण बढ़ी बोली जना पड़ी। डेल्टा पाई चीन रे एजिन रे अचानक संक्रमण बढ़ी सेठारे लॉकडाउन कर गत एक सप्ताह मध्य डेल्टा वेरिएंटर प्राय 100 अधिक मामला सामना को आसी। एथिपाई विदेश यात्रा करुवा लोकं दायी कर चीन सरकार। एजिन रे 35,700 बासिंदा को घरे रहा निर्देश दि जाएगी। एजिन एवं चीन रो नुआ संक्रमण हॉटस्पॉट पलटि। चीन रे गत सप्ताह रे चिन्हट होइतिबा संक्रमण मामलार प्राय एक तृतीयांश एजिन रे ही चिन्हट होइछि। एहा सहित संक्रमण को रोकिबा पई चीन रो उत्तर पश्चिम सहर लांचौ ठारे मध्य लॉकडाउन लागू करा जाइछि। चीन रो एहि सहर रो जनसंख्या प्राय 40,00,000 रु अधिक। संक्रमण रोकिबा पई लोकन को घरु बाहर को बाहरिबा पई मना करा जाइछि। अत्यंत जरूरी थिले ही बाहर को आसिबा पई अनुमति रहिछि। चीन रो विभिन्न अंचल रे मध्य भिन्न भिन्न नियम लागू करा जायछि। चीन रे कोरोना संक्रमण सप्ताह को मध्य 11टी प्रदेश रे पहुंची थिबारु चीन रो जातीय स्वास्थ्य कमिशन तरफ रु संक्रमण अधिक बढ़िबा नै चिंता प्रकाश करा जायछि। तेणु संक्रमण रोकिबाकु चीन रे पुणि थरे लॉकडाउन आरंभ होईछि। सेपटे ब्रिटेन रे मध्य संक्रमण बढ़िबारे लागिछि। नुआ डेल्टा प्रजाति AY4.2 पई ब्रिटेन रे संक्रमण ऊपर मुहा होईछि। ब्रिटेन रे एबे दैनिक संक्रमण 50,000 पाखापाखी रहितबार जना पड़िछि। रूस रे मध्य उभय संक्रमण एवं मृत्यु संख्या बढ़िबार लागिछि। गत किछि दिन मध्य रे रूस रे रेकर्ड संख्याक संक्रमण चिन्हट होईछि। तेबे पुणि थरे विश्वर अनेक देश रे एही नुआ स्ट्रेन वर्तमान पई पलटिछि चिंतार कारण। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विश्वर बृहत इ कमर्स कंपनी आलीबाबा एबे घाटारे। दिने चीन पाई गौरव साजिथिबा आलीबाबार मालिक जैकमा एबे होइछंती सरकारी रोषर शिकार। कठोर कम्युनिस्ट नीति अनुसार निज व्यवसाय चलाई न पारिबारु सहिछंती कोटी कोटी डॉलर क्षति। जिनपिंग को अंकुश प्रभाव पकाइछि तांकर आर्थिक साम्राज्य उपरे। चीन सरकार को मनमुखी फाइनेंशियल सिस्टम को विरोध करबा जोगु जैकमा को दबाकु पड़ी बहुमूल्य।
ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଜାକମାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆଲିବାବାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ରାଗ ସୁଝାଇଲେ ଚୀନ ସରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଜାକମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଗଲା ପ୍ରତିଶୋଧ। 26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହରାଇଲା ସର୍ବବୃହତ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଲିବାବା। ଚୀନର ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କମ୍ପାନୀ ଆଲିବାବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାକ୍ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ 33,400 କୋଟି ହରାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଲିବାବାର ମାଲିକ ଜାକ୍ ମାଙ୍କ ସମେତ କମ୍ପାନୀରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଥିବା ଅନେକ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାକ୍ ମାଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଛି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାକ୍ ମା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀ ଓ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ନେଇ ଜାକ୍ ମା ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧାଭାସ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର ଆଲିବାବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିକା ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀର ଆଇପିଓକୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଜାକ୍ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧମକ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାପରେ ଜାକ୍ ମା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚୀନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆଲିବାବାର ତୁଳନା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଜାକ୍ ମା ଚୀନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୂତ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନର ସ୍ଥାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ଆଲିବାବାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ନିଜ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଧୋକା ଖାଇ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ଜାକ୍ ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦିନ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ମାତ୍ର ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଛି ସେହି ସମୟ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ସନାତନ ଧର୍ମଧାରଣା। ସେଠିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝିଅ ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣାଇଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ଏହାଛଡ଼ା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ସୁକମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଯିଏ ଗତ ସୋମବାର ଯାଏ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସୁକମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁକମାବତୀ ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁକମାବତୀଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମାଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଇସଲାମକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସହିଷ୍ଣୁତା ବାକି ଅଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଏରିଆରେ 26 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ସୁଦ୍ଧି ବଦାନୀ ନାମକ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସୁକମାବତୀ। ମୁସଲମାନରୁ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ସୁଦ୍ଧି ବଦାନୀ ଅର୍ଥାତ୍
धर्म परिवर्तन करिछंती सुकुमावती तेबे राजकुमारी सुकुमावती सुकर्णपुत्री काहेकि 70 वर्ष बयसरे इस्लाम छाड़ी हिंदू धर्म अपणाइले तार पूरा कहानी आसंतु जानिबा। सुकुमावती सुकर्णपुत्रींकर विवाह आदिपति आर्यंक सह होइथिला किंतु 1984 रे सेमानंकर तलाक होइ जाइथिला। तेबे आपणंक मनरे प्रश्न उठुथिबो जे सुकुमावतींक स्वामींक ना आदिपति आर्य से मुसलमान किपरि होइथिबे कारण एपरि ना त हिंदू मानंकर रखा जाए किंतु एहा सत। इंडोनेशिया रे मुस्लिम मानंकर एपरि नामकरण अति साधारण कथा कारण सेठाकार लोकंकर धर्म इस्लाम होइथिले भी सेमानंकर संस्कृति हेउछि सनातन संस्कृति। तेबे 3 वर्ष तले अर्थात 2018 रे सुकुमावती सुकर्णपुत्री खूब चर्चा को आसीथिले जेतेबेले तांकर एक कविता सारा विश्व रे वायरल होइथिला जेउथरे से लेखिथिले जाभार हिंदू महिलांक जोड़ा इस्लामी चादर ठारु अधिक सुंदर तापरे आउ कण होइथांता एहाकु कट्टरपंथी माने इस्लामर अपमान कही विरोध करिथिले ओ क्षमा प्रार्थना दाबी करिथिले। सुकुमावतींकु शेषरे क्षमा भी मागिबाकु पड़िथिला। तेबे सेही विवादय कविता सेबेठारु सूचाई देइथिला सुकुमावतींकर हिंदू धर्म प्रति केते श्रद्धा रहिछि। इस्लाम धर्म रे थाइबी 70 वर्षिया सुकुमावती हिंदू धर्म शास्त्र उपरे बहु अध्ययन करिथिले पूर्वरु मध्य बाली द्वीपकु विभिन्न समय रे आसी हिंदू धर्म समारोह रे शामिल हेउथिले अर्थात से बहुत दिनरु हिंदू हेबाकु मनस्थ करि सारिथिले। सुकुमावतींकर हे निष्पत्ति पछरे तांक जेजेमांकर बड़ प्रेरणा थिबा जणा पडिछि। सुकुमावतींकर दिवंगत जेजेमा ईदा आयु नेमन राय सिरिमबेन जणे हिंदू महिला थिले से पाली द्वीपर बासिंदा थिले। जेजेमांक जोगु सुकुमावतींकर पिला दिनरु ही हिंदू धर्म प्रति आग्रह रहिथिला। से हिंदू धर्मशास्त्र ओ परंपरा प्रति खूब प्रभावित होइथिले सेथिपाई निजकु सनातन धर्म ठारु आउ दूरेइ रखि पारिले नाही। 70 वर्ष वयसरे विश्वर सर्वपुरातन धर्मरे निजकु सामिल करिनेले सुकुमावती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।